Hi, I'm Siddharth Hallipur. I'm part of a band of boys, and I'm keenly, eagerly waiting for the release of the movie called Kiss Kiss Go, which is about the band. Kiss Kiss Go, क्या है ये फिल्म टाइटल? इंट्रोडक्शन तो ठीक था, शाटअप हो गया. Kiss Kiss Go, टाइटल भी बजा अजीब से है, तो क्या है फिल्म बताइएगा? ये जो पहला किस है, ये इंग्लिश वाला किस है. सो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, ये फिल्म है बैंड बॉयज़ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी उतार चढ़ाव के बारे में, और समय डाउन द लाइन ये एक पांचों एक लड़की से मिलते हैं पिक्चर में, विच इज़ अ ट्रू इंसिडेंट बिकॉज हमारे जो लाइफ में बैंड बॉयज़ के लाइफ में पिछले दो साल से ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर हम एक शो करने गए थे कहीं पर समय इन द नॉर्थ, आई विल नॉट स्पेसिफाई वेयर, एंड वी आर परफॉर्मिंग फॉर ऑल वुमेन्स नाइट. And this one girl caught all our attention, you know. She was not clapping, she was not smiling. One second, cut. You never know. Okay. Yeah, about the North incident. हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि this is a real story about a real band, that is a band of boys existing. People know about them. But ये जो picture के द्वारा लोगों को पता चल रहा है कि actually उनके life में अंदर द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अ बैंड ऑफ बॉयज क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू द रीजन वाई वी मेड दिस मूवी. देयर वाज अ शो दैट हैपेंड इन द नॉर्थ, और सॉरी हाउ द स्क्रिप्ट केम अलोंग. वी डिड अ शो इन द नॉर्थ समवेयर एंड वी वर डूइंग दिस ऑल वुमेन्स नाइट. सारे औरतें, बस हम सिर्फ पांच लड़के डांस कर रहे हैं स्टेज पर, सारी लड़कियाँ डांस कर रही है, जंप मार रही है, क्लैपिंग दिस दैट, ये बैंड ऑफ बॉयज वी लव यू. उनकी एक लड़की कोने में बैठ कर बस हमें सबको देख कर मुस्कुराना, और समय डाउन द लाइन वी ऑल गॉट फ्रेंडली टू हर, एंड उसके बाद मीन वी जस्ट गॉट फ्रेंडली, आई विल स्टॉप एट दैट. एंड उसके बाद हमें उसने इतना घुमाया, बहुत चक्कर आ गया था उसके बाद, बट उसने हमें इतना घुमाया, और वी एक्चुअली हैड अ वेरी बैड शो आफ्टर 3 months. वी डिड अ वेरी वेरी बैड शो बिकॉज अंदर ही अंदर बैंड में इतना टेंशन आ गया था बिकॉज एवरी वन इज आफ्टर दिस वन गर्ल एंड पीपल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव इट, बट यू नो वी डिडंट वॉन्ट हर, लाइक वॉन्ट हर टू बी माइंड, बट एवरी वन वॉज अट्रैक्टेड और हैड एन इन्फैटुएशन और यू नो स्मॉल क्रश लाइक टाइप ऑफ फीलिंग टूवर्ड्स दिस गर्ल. और उसने हमें बड़ा उल्लू बनाया, हमने एक्चुअली एक शो मिसअप करी, एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू अर्ली सीटीज, वी वर लाइक माई गॉड द वर्स्ट शो ऑफ आवर लाइफ, जैसे कैसे हो गया, देयर वॉज नो केमिस्ट्री अमंग्स द बैंड, मतलब हाउ डिड वी सिंग सो बैडली, वी वर नॉट इवन लुकिंग एट ईच अदर, अभी लाइक हेटिंग ईच अदर, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. देन अ प्रोड्यूसर केम अप टू अस एंड सेड, बच्चों ये जो लड़की के पीछे तुम लोग भाग रहे थे ना, आई नो एवरीथिंग, दिस वॉज इज वन गर्ल और तुम्हें उल्लू बना रही है. एंड वी सैट एट अर्ली सीटीज टिल 2 o'clock इन द नाइट एंड वी लाफ, वी जस्ट लाफ, मीन्स वी कुडंट बिलीव, लाइक सी एक को उल्लू बनाना काफ़ी है, बट पांचों को उल्लू बनाना इट इज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ब्रेन. सो वी रियली एडमायर दैट गर्ल, एंड भूमिका पुरी इन द मूवी इज प्लेइंग दैट गर्ल्स रोल जो हमें घुमाती है. और फाइनली बाय द एंड ऑफ द मूवी किस पांचों में से एक को मिल जाती है. सो इफ यू वॉन्ट टू नो हु गेट्स द किस, देन यू हैव टू गो वॉच किस किस. हाउ इज़ द होल एक्सपीरियंस, यू नो फिल्म में काम करना कैसे लगा? आपने परफॉर्म तो कई बार किया है, तो एक फिल्म में काम करना, इट वॉज वेरी, सी बिफोर स्टार्टिंग द शूटिंग इट वॉज वेरी इजी फॉर अस बिकॉज दे सेड यू आर प्लेइंग सिद्धार्थ, जो तुम रियल लाइफ कैरेक्टर जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सिद्धार्थ रहते हो, वैसे ही तुम्हें कैमरा के सामने एक्ट करना, विच वॉज लाइक ओके कूल, नॉट अ प्रॉब्लम एंड ऑल. बट द मोमेंट वी स्टार्टेड शूटिंग इन बाली, यू कैमरा रोल एक्शन, ओके नाउ बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, मतलब आई एम माई सेल्फ, वॉट यू मीन बाई माई सेल्फ, नहीं बी योर सेल्फ. तो क्या होता है कि एज एन एक्टर, लाइक दीज थिंग एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स वुड एक्चुअली रिलेट टू, कि वेन यू गेट अ स्पेसिफिक कैरेक्टर टू प्ले, यू इट्स ईजी टू इमिटेट और गेट अ पर्सनैलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर, यू नो डेवलप समथिंग, बट यू आर सो सबकॉन्शियसली अनअवेयर ऑफ योर सेल्फ, कि वैन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं कैसा, हाउ डू आई रिएक्ट, लाइक यूजली व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, मैं वो मुझे हाय बोलता था, मैं हाय हाय ऐसे बोलता हूँ या हाय हाय ऐसे बोलता हूँ, यू नो. सो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, सो ऑल ऑफ अस गॉट वेरी थ्रोन ऑफ इन द बिगनिंग, बट द
बिकॉज आर केमिस्ट्री इज सो गुड, हमारी जो जेलिंग इतनी अच्छी है बैंड के हिसाब से, उन चारों की जेलिंग इज फैबुलस एंड इट शोज इन आवर शोज. यू नो व्हेन वी ऑन स्टेज पीपल से एनीथिंग एल्स, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा जो केमिस्ट्री है स्टेज में नोबडी कैन मैच इट एंड इट्स अ ग्रेट अप्रिसिएशन, इट्स अ ग्रेट हाई. Any incident that happened during the shoot of the film that you'd like to, particular incident that you'd like to talk about? Okay, inside me, हमें जो शूटिंग का स्केड्यूल दिया था सुबह 7 बजे चालू होती थी एंड बाई द टाइम द शूट इज गेट ओवर इट वॉज 11:30 या 12 at night. इट वॉज कंटिन्यू शूटिंग, इवन इफ यू आर नॉट शूटिंग यू हैव टू बी एट द सेट. ओके, वी वॉज स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड y'all will not party because Bali is the party house of the world. वहाँ पे beaches हैं, beaches के ऊपर discos हैं, Planet Hollywood है, Hard Rock Cafe है, karaoke bars है, more than 150 karaoke bars in Bali. So, and we love singing, we love to see karaoke places where, you know, live bands are performing. So we used to get very enthused, like, why can't we go, why can't we go? So, 3-4 din baad we said, chalo, let things settle down over here. We quietly sneaked out at 12:30 in the night without letting all the gate men. We were staying in a nice hotel over there called White Rose. And this White Rose that we were staying was next to the place that bomb blast happened in Bali. You know? And they said it was haunted, but those are all different stories. We quietly sneaked out and the closest karaoke club became our second house. So we used to go there till party till 3:30, 4 o'clock, meet all the Australian firangs, because Australia is so close to Bali. So all the Australian friends used to be around, so we had friends with everybody, girls, guys. We had the best party in the world. And then we used to come back home at 4:30 and go to sleep. Suddenly 6 baje wake up call. Ujjao, wake up. And then you go again, shave, go and wear makeup. And the director started noticing after 6 days, y'all have been partying. I said, no, we didn't party. I know y'all have been partying. I said, who told you? I can see your eyes, all dark circles. Like, oh god, pakdega. So he said, listen, we need to party and this and that. Saying party on the days when you get on off. So then we didn't, hum log to sun nahi wale, we just had a good time. It was a great fun. Expectations from the movie. Expectations from the movie, I can say a lot, but from the music, it's like, I think this is our baby. We waited for a very, very long time for these songs to come out. We've composed them. हमने खुद lyrics लिखे हैं, करण ने इनफैक्ट पेन डाउन किया है, और हमने जो सिचुएशंस पे गाने बनाए हैं, कम्पोज जिस जगह पे हुए इज़ वेरी वियर्ड. लाइक वी कम्पोज जो दिल चाहे एट कोलालंपुर एयरपोर्ट वेटिंग फॉर द फ्लाइट. वी कम्पोज धुन तो नक धुन एट नो सॉरी कम्पोज एट कैसा है ये जादू द बैलेट सॉन्ग इन साइड शूटिंग ऑफ कृष्णा अर्जुन दिस टीवी सीरियल. And we were sitting in the green room, we composed that over there. Then once we were sitting on the beach, we composed that over there. Once you're sitting in someone's car, drive pe jaate ho, kisi ke shoot like radio mirchi interview, you know, all those kind of things. We're traveling and we make a song. Song. There we have 8 songs. Now those were 8 songs. Somewhere it's magic or a miracle that when the script was written, situation, this song fits here. Yes, song, you know? So by the end of it, like you have 8 songs. And everything fits everywhere. Well, obviously the music also composed by helped by Vikesh Mehta, who's a London-based composer. जिन्होंने एक item song किया है picture में, जिसे सुनील चौहान ने गाया. So I guess the music is the USP of the movie. The chemistry of the boys. See, we've not tried to pretend like we are, you know, having great performance for you and all that. It's the band. This is how they are. Very very simple, very underplayed acting. Not a documentary. Again, it's masti, dhoom and hangama machaya, matlab that kind of a genre, you know what I'm saying? So, it's nothing like, log bol rahe, arre yaar, band ka picture hai, shayad documentary ho jaye, it's like this Hard Day Night. No, it's commercial Bollywood, we've understood that, and we've given the music also, considering the sound of today. And I just hope it's appreciated, but as of now, jisse promos chalu hai, air par, get a lot of feedback from friends and family, bolte hai ki, जो दिल चाहे अच्छा गाना है यू नो इट फील्स वेरी गुड ग्रेट एनीथिंग.